हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शुरुआत अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ किचन से और अभी बज रहे हैं शाम, मतलब तो शाम के भी 6 बज रहे हैं, अंधेरा हो गया है और अभी शाम की चाय बनाने आई हूँ किचन में। आज थोड़ा लेट हो गया है, वैसे तो मैं 5 बजे चाय पी लेती हूँ बट आज संडे है तो मॉर्निंग से ही मैंने सोचा था कि मैं आज आप लोग के साथ मॉर्निंग से ही शुरुआत कर दूँगी, ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, बट मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला क्योंकि आज मैं बहुत बिजी थी, संडे था और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए फैमिली के साथ भी, क्योंकि रोज़ तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, बिजी रहती हूँ, बट आज मैंने अपना सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ मतलब स्पेंड करा। बट मैं फ्री हुई तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग में छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। और अभी मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने, तो मैं पहले फटाफट चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या बनाना है। और आज ये साड़ी मैंने आज दिन से ही रियल लाइफ में होता वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पे विजिट करने आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ज़्यादा बातें ना करते मैं पहले चाय बना लेती हूँ फटाफट, और बहुत लेट हो गया चाय पीने में, चलो फिर से चाय पी लेते हैं। थोड़ा चाय पी के थोड़ा एनर्जी आ जाता है, काम फटाफट हो जाता है, तो मैं बना रही चाय, ज़्यादा बकवास नहीं करना है, चाय बनाना है। अरे यहाँ पे मैं चाय बना लेती हूँ, तो मैं फटाफट चाय बना रही थी, बस अपने लिए बनाना था क्योंकि और किसी को पीना नहीं था, तो मैं अब चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी डिनर। चाय हमारी पक चुकी है, बन चुकी है, तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कौन सी सब्जी मैं बनाऊंगी। और ये चाय हमारी बन चुकी है तो मैं चाय पी लेती हूँ, आइए आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। उसके बाद मैं बनाऊंगी, मुझे बनानी है अभी रोटियाँ, मतलब रोटी बनानी है और सब्जी बनानी है, तो पहले मैं रोटियां बना लूँगी, सब्जी का समझ में नहीं आ रहा है कौन सी सब्जी बनेगी, तो थोड़ा सा पनीर बचा हुआ है तो मैं पनीर की सब्जी बना दूँगी, क्योंकि रात को लोग कम ही खाते हैं तो हो जाता है, क्योंकि रात में तो बस एक बार ही खाना है, लेकिन रोटी बनाऊँगी थोड़ा सा ही बनाना है, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उससे मैं फटाफट डिनर बनाऊँगी, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और मैं यहाँ पे ना चाय पी रही थी तो मुझे छोटी सी भूख लग गई थी, तो यहाँ पे मैं खा रही थी बट मुझे अच्छा नहीं लगा, जैसे ही मैंने खाया तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे मैं पीयू से बात कर रही थी लेकिन वो कैमरे में नहीं आती है, नहीं आ रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए वो नहीं आ रही थी। और अब जा रहे किचन में रोटियाँ बनानी है और सब्जी तो मैंने बना लिया है, वो बहुत गर्मी थी तो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर मैं इतना रेसिपी शेयर करूँगी तो मैं दिखाऊँगी मैं क्या बनाई, तो सब्जी तो मैंने बना ली है, अब मुझे बनानी है रोटियां। बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं बैठी हुई थी फ़ैन में, और थोड़ा सा ये फ़ैन बंद करो तो बिल्कुल रहा नहीं जाता है, जब वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो जो रूटीन शाम का रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, देख लीजिए,
आज मैंने ब्लाउज मैचिंग पहना क्योंकि मिल गया इसका ब्लाउज। और इसका ये आंचल स्टेप से है, ये इसका आंचल है, ये स्टेप से है ये। मतलब ये बस ऐसे ही है, सिंपल ही है बट काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें भी गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है, बिल्कुल भी गर्मी, शिफॉन की साड़ी है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। और ये कलर मुझे ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस कलर ये कलर पहनने पे ना मतलब कोई भी पहनती है तो, मतलब कोई भी लेडीज़ पहनती है तो बहुत उस पर फबता है ये कलर, मतलब अच्छा लगता है। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी है और कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। आज मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, बस यही पहनी हुई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है तो मैंने आज मन नहीं करा था, मैंने साड़ी पहन ली और साड़ी पहन के सारे काम कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, और रोटी बनाने के बाद आप लोगों को मैं टाटा बाय बाय बोलूँगी, गुड नाइट बोलूँगी। अभी बज रहे हैं, अभी 8:30 बज चुके हैं, मतलब कि 8:30 अभी मतलब पूरे नहीं हुए हैं। ज़रूर बताइएगा और मेरी सारी वीडियो को वॉच कर लिया कीजिएगा, सभी वीडियो को प्यार दीजिएगा क्योंकि सारी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। और चलिए किचन में चलते हैं रोटी बनाने, मेरे साथ आप लोग भी चलिए किचन में। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में, तो यहाँ पे मेरी सब्जी मतलब बन रही थी, चढ़ी हुई थी, और यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी। तो मैं आलू और पनीर की सब्जी मैंने बनाई थी और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी। इतनी गर्मी लग रही थी, रोटियाँ बनाने में तो गर्मी लगती ही है, बट ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी थी तो मैं वही आटा लगा रही थी। अब मैं फटाफट रोटियाँ मैं खाने के टाइम पे बनाती हूँ, सब्जी तो मैं बना लेती हूँ बट रोटियाँ खाने के टाइम पे ही, क्योंकि हमारे अभी जी गर्म ही रोटियाँ खाते हैं तो ऐसे भी पहले बनाओ तो भी गर्मी लगती है, इसलिए मैं खाने के टाइम पे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ और फटाफट सबको खिला भी देती हूँ एक साथ। तो इधर हमारे अभी जी खाने के लिए बैठे हुए थे भी, तो मैं वही रोटियाँ बना रही थी। अब मैं अपनी वीडियो का करने आई हूँ द एंड, क्योंकि रात के बज गए हैं 10 और डिनर वगैरह हम लोगों का हो चुका है और अब काफ़ी गर्मी लग रही है। आज यहाँ बहुत बारिश भी हुई थी। तो चलिए सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। और देखिए मैंने यहाँ पर हैंकी भी यहाँ पर अटकी हुई है। आज अभी किचन में अगर मैं काम करो तो एक ज़रूरी होता है, जब भी आपको हाथ मतलब हैंड वॉश करना हो या कुछ भी साफ़ करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाई हूँ, मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ जब भी काम वगैरह करती हूँ। और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।